Hello everyone and welcome to COD with Super Guides. This is Nikhil Soni, faculty of logical reasoning. So जैसे कि हमने सभी ने फर्स्ट पार्ट डन कर लिया है, राइट? आई होप कि आप सभी ने देख लिया होगा फर्स्ट पार्ट, राइट? कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने डेट के बारे में थोड़ा सा जाना था कि एक डेट का डे कैसे फाइंड करते हैं, राइट? और इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को समझाएंगे. तो जिस किसी ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, याद रखना फर्स्ट पार्ट को जरूर देखना है इसका, और इस सेकेंड पार्ट को फिर आगे कंटिन्यू करना. ठीक, ओके. सो फिर स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले. और आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन, इफ टुडे संडे आफ्टर 78 डेज इट विल बी. तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलते हैं, राइट, ऐसे क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर लगता है. उस लॉजिक का या उस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑड डेज का फंडा, राइट? ऑड डेज क्या होती है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑड डेज क्या होती है. सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ डेज हैं कितने. तो हम जानते हैं कि हमारे पास या पूरे कैलेंडर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, राइट, 7 डेज हुआ करते हैं. कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. अब अगर हम ऑड डेज हमें फाइंड करना है, तो ऑड डेज का मतलब कि जो भी गिवन डेज होते हैं, जो भी गिवन डेज हैं, गिवन डेज को 7 से डिवाइड करो, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो क्या कहलाता है? ऑड डेज, राइट? मतलब जिससे मैं आपसे बोलूँ कि आज हमारा फर्स्ट डे है, आज मंथ का फर्स्ट डेट है. ठीक. सो आफ्टर 7 डेज क्या होगा? अगर आज संडे है, फर्स्ट को संडे है, आफ्टर 7 डेज संडे, आफ्टर 7 डेज के बाद 14 संडे, 21 संडे, 28 संडे, 35 संडे, आफ्टर 70 डेज संडे. इट मींस कि जो हमारे 7 या 7 के जो मल्टीपल्स हैं वो कभी भी डे को चेंज करती नहीं है. आप समझ में आ रही है, राइट? तो जो डे को चेंज करता है वो कहलाता है ऑड डेज, मतलब जो 7 जिसकी वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है. तो यहाँ पर क्या है, आफ्टर 70 डेज के बाद क्या होगा? इफ टुडे इज संडे, तो आज संडे है मान लिया, तो हमें क्या करना है? इस 78 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड करना है, मतलब ऑड डेज निकालना है. तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? हम देख पा रहे हैं रिमाइंडर ओनली 1 आएगा. 7 1 7 कैंसिल, 77 कैंसिल, हाँ या ना? क्योंकि 77 जो है अगेन 11 वीक्स है, हाँ या ना? सोचो एक बार, 11 वीक्स कैसे आया? क्योंकि हमने निकाला 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 1. क्योंकि 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, है ना? तो यहाँ से हमारा ऑड डेज कितना आया? 1. और जो भी ऑड डेज आएगा वो यहाँ पर ऐड कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. तो आंसर कितना है आपका? मंडे. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट. तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं ये, ऑड डेज पर बेस्ड होते हैं, बस जो भी डेज है. अच्छा, कभी कभी यहाँ पर ऐसा भी लिखा आता है कि आफ्टर 2 वीक, 1 वीक, 10 वीक, 5 वीक्स, 20 वीक्स. तो कभी भी याद रखना वीक से कभी डे चेंज नहीं होता है. जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आज हमारा मंडे है, तो 1 वीक के बाद क्या होगा? मंडे ही रहेगा. 2 वीक के बाद मंडे, 2 करोड़ वीक के बाद भी क्या रहेगा? मंडे. ठीक है, ओके. नाउ सेकेंड पैटर्न को यहाँ पे समझेंगे. सेकेंड पैटर्न क्या है? ऑन व्हाट डेट्स ऑफ जुलाई 2000, जुलाई की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं 2044 की बात कर रहे हैं. डिड संडे फॉल, राइट? वो क्या होना चाहिए? संडे होना चाहिए. ये हमें फाइंड करना है. तो अब हम कैसे निकालें? ऑप्शंस हम देख पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा. देखो, बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका. हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप बस एक चीज निकालो. यहाँ पर आपको डेट का डे निकालना मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में सिखा दिया था. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ जुलाई, हाँ, फर्स्ट ऑफ जुलाई 2044, इस पर्टिकुलर डेट का हम डे फाइंड करेंगे. बस सिंपल सी कहानी लेकर चलने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट जुलाई का कोड होता है 00, आया ना? देखो 144025, 6 मंथ क्लियर, फिर 0 जुलाई. जिसने नहीं पता है लास्ट वाला सेशन जरूर देखना. फिर 44, अब इस 44 को 4 से डिवाइड करो. कितनी बार डिवाइड हो रहा है सर? 11 टाइम. और फिर सेंचुरी कोड 11 किया हमने, ओके. तो ये कितना हो गया? 45 और 10. डायरेक्टली बना दें इसे 50 बना दें. 50 60 61 62. अब इस 62 को टोटल को 7 से डिवाइड करो. 56 6 बच रहा है, आया ना? क्या आएगा? फ्राइडे. यहाँ हमें देखने को मिला सर ये तो आ गया फ्राइडे. मतलब फर्स्ट ऑफ जुलाई 2044 को क्या था? फ्राइडे था. तो हमें क्या बताना है? संडे. तो फ्राइडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे। अगर फर्स्ट को फ्राइडे है तो सेकेंड को और फिर थर्ड को क्या होगा? और उसके बाद ऑप्शन से आप कर सकते हो थर्ड। 7 + 3 10, 10 + 7 17 + 7 24 + 7। और हम जानते हैं वो बात कर रहे हैं जुलाई की, जुलाई में 31 डेज हुआ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? इस तरीके से भी आप जा सकते हो। आप किसी भी डेट का निकाल सकते थे, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे यहाँ पर फर्स्ट भी दिख रहा था ऑप्शन में, इसलिए मैंने फर्स्ट ही निकाला था। ठीक, क्यों माइनस करें, सीधा वहीं समझाएंगे ना। इस टाइप से भी आप कर सकते थे और ये लास्ट वाली मेथड पे ही डिपेंड करता था। अलग एक टाइप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी अगेन उसी मेथड से सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका यहाँ पर अलग है। समझना कि 14 अक्टूबर 1949 इट वॉज संडे। ठीक है, वॉट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 30 अगस्त 2036। इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई होगा, तो ये मत सोचना कि सर इस पर्टिकुलर डेट का हमें डे निकाल देते हैं, कहानी वहीं खत्म है। नहीं, तो फिर ये क्यों दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ है हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए दिया हुआ है? नहीं, ऐसी कहानी नहीं है। समझना यहाँ पे चेंज क्या है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम 14 अक्टूबर 1949 का डे निकालेंगे। तो आप सोच रहे हो कि सर ये तो ऑलरेडी गिवन है, आप क्यों निकाल रहे हो? नहीं, कहानी ये है कि हमें नहीं जानते हैं कि ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू हुआ ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये ट्रू है कि 14 अक्टूबर 1949 को अगर संडे है तो इसका डेट निकालेंगे, कहानी खत्म। लेकिन हमें पता है क्या, बस ये सोचो, हमें पता है क्या? हम नहीं जानते ना ये क्या है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे और उसके बाद की कहानी कोडिंग डिकोडिंग जैसा रहेगा। तो 14 अक्टूबर का कोड कितना होता है बताओ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इट मींस लास्ट वाली रो याद करना है। देखो अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, 144025036146। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 1 इज द कोड फॉर अक्टूबर। उसके बाद फिर ये 49 एज इट इज लिखेंगे। अब इस 49 को 4 से डिवाइड करो, 1 और 2 है ना, और फिर 19 है, इसका सेंचुरी कोड कितना होता है? 0। तो वो लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। देखो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 50, हाँ या ना, 50 60 70 74 76। अब इस 76 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 6। और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा सर? फ्राइडे आ गया। देखा आपने, बात समझ में आई? एक चीज समझ में आई कि नहीं आई? चेक तो करना है। अगर यहाँ हम निकालते और हमारा जो डे आता, अगर वो संडे आता तो फिर कुछ नहीं करना, बस इसका डे निकालते, जो डे आता वही आंसर। पहली चीज एक टाइप ये भी बनता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया इसका जो डे है वो कितना है? फ्राइडे है ना। जस्ट 14 1 + 49 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 50 60 70 74 76 इज द रिमाइंडर 6 फॉर फ्राइडे। तो फ्राइडे आ गया है ना। अब फ्राइडे से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये इसका रियल डे है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? संडे। तो बस आपको ये देखना है रियल से जो गिवन है उसमें कितना डिफरेंस है, चाहे वो प्लस हो या माइनस, वो लिखना है आपको। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे कितना करने पर आता है? +2। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है? रियल डे। और जो इसका रियल डे आएगा वो आंसर नहीं होगा। आप भी क्या करोगे? आंसर देने के लिए +2 करोगे। सिंपल है कहानी, हाँ यार, पैटर्न वही है, बस 2 बार रेट निकालनी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया है, कॉम्प्लेक्स किया गया है, बस कुछ नहीं, टाइम कंज्यूमिंग। तो 30 अगस्त 2036 इसका हम डे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 30, अगस्त का कोड होता है 3, फिर हो जाएगा 36, फिर 4 से डिवाइड करो, ओके 9, और सेंचुरी का कोड कितना हो जाएगा? 6। चलो ऐड करते हैं, 36 हो गया, हाँ या ना। 66 में ये 15 है, ये हाँ या ना। 66 और 5 71 81 81 और 3 कितना होगा? 84। सो 84 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 7 7 2 14। पूरी कहानी क्लियर है। यहाँ पे 00 आ रहा है, मतलब यहाँ का जो डे आ गया। 00 का मतलब आप जानते हो क्या होता है? सैटरडे होता है, हाँ या ना। तो इसका रियल डे कितना है? सैटरडे। बट सैटरडे आंसर नहीं होगा, सैटरडे के बाद संडे, मंडे। So the answer is Monday. कहानी क्लियर है कि नहीं? है ना, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसमें कुछ नहीं करना। अगेन अगर इसका रियल डे यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, यहाँ फ्राइडे की अगर संडे होता तो इसका जो भी सैटरडे आया वही आंसर होता। लेकिन जितना प्लस उतना प्लस आप करोगे, जितना माइनस उतना माइनस आप करके आंसर टिक करोगे। और इसी चीज़ को चेक करने के लिए ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखना। थोड़े से ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हो आप लोग मुझे कमेंट में, है ना। लाइक वाइक भी कम करते हो, पता नहीं क्यों, कुछ प्रॉब्लम है। ऑल ओके, ठीक है। तो दिखाया करो कि हाँ यू आर अलाइव, यू नो। ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है यहाँ पर, द कैलेंडर फ्रॉम फॉर, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलेंडर फॉर द ईयर टू 1901 विल बी सेम फॉर द ईयर। मतलब अब यहाँ पर हमें सेम ईयर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो सेम ईयर में देखो मैं सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक बता के जा रहा हूँ, वो आप अप्लाई करना। कभी भी अगर ईयर हमें सेम ईयर पूछता है तो आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट याद रखना, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, और उसे 4 से डिवाइड करो। और 4 से डिवाइड करने के बाद आपको चेक क्या करना है, रिमाइंडर चेक करना है। क्या चेक करना है, रिमाइंडर। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो आप क्या करोगे, प्लस 28 ईयर्स उसमें ऐड कर देना। ठीक है, अगर हमारा ईयर 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है तो प्लस 6 इसमें ऐड कर देना। अगर हमारा रिमाइंडर राइट 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए तो प्लस 11 ईयर्स इसमें ऐड कर देना। कहानी खत्म है, सिंपल। ठीक है, यहाँ देखो 1901, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 01, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, सर यहाँ पर तो 1 ही आएगा। और अगर 1 है तो मैंने क्या बताया, +6, तो यहाँ पे +6 करो, 1907। मतलब 1901 एंड 1907 बोथ आर सेम ईयर, बोथ आर सेम ईयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट 2050, मतलब क्या करना है सर, 50 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ जरा। 48 के बाद कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का मतलब होता है +11, तो यहाँ पे 0 + 1 1, 5 + 1 6 0, 2061, 2061 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो बस इस टाइप की चीज़ें आपको आपके माइंड में रखना है, रिमाइंडर बस याद रख लेना। अगेन दिस इज फॉर योर होमवर्क। कमेंट में बताना ज़रा मुझे, हाउ मैनी वीकेंड्स इन अ ईयर, ये क्या बताओगे मुझे, बताओगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यार, एंड आई वांट कि इसका आंसर आप दो, बहुत मज़ा आएगा, है ना। बताओगे, चलो ठीक, इसका मुझे कमेंट में बता के जाना आप लोग, हाउ मैनी वीकेंड्स इन अ ईयर। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन। चलो, सो ये था हमारा कैलेंडर का चैप्टर। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा, समझ में आई होगी चीज़ें। अब थोड़ी सी नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, बैक टेस्ट कर लेना कि हाँ जो सीखा है वो सही है कि नहीं है, राइट, एप्लीकेबल है कि नहीं है, क्वेश्चंस के आंसर आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। और LR में याद रखना पूछने के तरीके बदलते हैं। जैसे कि मैं सेम ईयर की मैं बात करूँ ना, आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि सेम ईयर है, कहीं पे भी वर्ड ही यूज़ नहीं होगा सेम, फिर भी वो आपसे सेम ईयर पूछेगा। देखो कैसे, जैसे मैं आपसे पूछूँ कि रामू का बर्थडे जो था, राइट, रामू का बर्थडे था 10 अगस्त 2005 को। अब उसने अपने पेरेंट्स से जिद कर ली कि वो नेक्स्ट बर्थडे अपना ना संडे को सेलिब्रेट किया था, वो संडे को ही सेलिब्रेट करना चाहता है। तो बताओ वो अपना नेक्स्ट बर्थडे किस पर्टिकुलर ईयर में सेलिब्रेट करेगा, राइट। अगेन ये भी क्या था, सेम ईयर वाला फंडा था। तो ऐसे कुछ रहना, ऐसा मत बोलना कि सर ये तो हमने सीखा ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं है कैसे करना है। ध्यान से उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करो कि एक्चुअल में वो रियलिटी में किस पर्टिकुलर बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। LR में वो चीज़ आपको देखने को जरूर मिलेगी, राइट। तो अगर कैलेंडर समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।